नमस्ते बच्चों, आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय मैं अंत में दूंगी, पहले इस कविता पे हम चर्चा करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी। जन्मभूमि का अर्थ होता है जहाँ हमारा जन्म होता है। भूमि मतलब धरती। जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है उसके ऊपर कवि ने कविता लिखी। इस कविता में अर्थात प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए भारत भूमि की महिमा का बखान किया है। अतीत मतलब पास्ट। कवि ने अतीत के भारत की वर्णन करते हुए कि हमारा भारत कितना गौरवशाली था का वर्णन करते हुए भारत भूमि की महिमा, भूमि मतलब धरती की महिमा का बखान किया है। देखिए इस कविता में कवि क्या बखान करते हैं भारत भूमि की। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। चूमता मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वह आकाश को छू लेगा। नीचे चरण, चरण का अर्थ होता है पैर। तले पर नित सिंधु झूमता है। सिंधु का अर्थ होता है ए समुद्र। गंगा यमुना त्रिवेणी तीन नदियां हैं, ठीक है। जगमग छटा निराली पग पग, पग पग का अर्थ होता है हर कदम पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि जिसे देखकर लगता है कि हिमालय पर्वत आकाश को छू लेगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर को देखकर ऐसे लगता है जैसे भारत के पैरों के नीचे समुद्र झूमता रहता है, मचलता रहता है। यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जिसमें लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों के सौंदर्य को देखकर कवि कहते हैं कि इनका सौंदर्य देखने योग्य होता है। इन नदियों का जल ऐसा लगता है जैसे वो हर कदम पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मतलब उस नदियों की सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसकी जल की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उस जल में लहरें कितनी सुंदर उठती हैं। इसी कारण देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत सुंदर है। भारत एक पवित्र भूमि है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जिसमें भरपूर फसल होती हैं। अर्थात वो फसलें इतनी अच्छी होती हैं जैसे वह सोना निकल रही हो। मतलब उसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार सोना चमकता है उस प्रकार फसलें भी चमकती हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। यहाँ हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के अन्न और जल से हमारा भी पालन पोषण होता है। इसलिए यह हमारी मातृभूमि है। यहाँ की धूल मिट्टी रूपी माँ की गोद में खेलकर हम बड़े होते हैं। जिस प्रकार हम इस धरती पर जन्म लेते हैं उसी प्रकार इसी धरती पर हमारी मृत्यु भी होती है। समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, वह जन्मभूमि मेरी। मैं अंत में क्लियर करूंगी। जन्मभूमि मतलब जिस धरती पर हमारा जन्म होता है। मातृभूमि
धरती को कहा गया है कि जिस प्रकार हमारी माता हमें अपना दूध पिलाकर हमारा लालन पालन करती है, उसी प्रकार यह धरती भी क्या करती है, हमें अन्न जल देकर हमारा लालन पालन कर हमें बड़ा करती है। पुण्य भूमि, क्योंकि यह धरती बहुत ही पुण्य है, यहाँ की जो भूमि है वो क्या है, बहुत उपजाऊ है, ठीक है, यहाँ बड़े बड़े पुण्य काम हुए हैं। स्वर्ण भूमि, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, इतनी उपजाऊ है जैसे देखकर लगता है कि फसलें जो हैं सोने के समान हैं। क्लियर बच्चों, फिर से ध्यान दीजिए, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। कवि कहते हैं कि उत्तर दिशा में जो हिमालय स्थित है उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि जैसे लगता है कि आकाश हिमालय को छू लेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जिस प्रकार हम फ्लाइट से जब कहीं जाते हैं तो जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर बढ़ते जाता है हमें लगता है हम हाथ बाहर निकालें और आकाश को छू लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। कवि कहते हैं कि दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसे देखकर लगता है जैसे भारत के पैरों के नीचे समुद्र झूमता है, मचलता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जिनमें लहरें उठती हैं। इन लहरों का सौंदर्य देखकर सब उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उनकी मतलब जल की सुंदरता की ओर। जगमग छटा निराली पग पग पर चहर रही है और वो हर कदम पर अपना ध्यान, मतलब सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचते हैं। भारत की भूमि अत्यंत पवित्र है, इस कारण देवता भी यहाँ जन्म लेते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जिसमें भरपूर फसल होती है, अर्थात वह फसल सोने जैसी होती है, यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, यह हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के अन्न और जल से हमारा लालन पालन हुआ है, यही कारण है कि इसे मातृभूमि भी कहते हैं। कुछ विशेष बात मैं बताऊं कि त्रिवेणी, यहाँ पे देखना बच्चों, त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब होता है तीन नदियाँ। त्रिवेणी वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना या सरस्वती, यानी मतलब सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है, मतलब तीनों नदियां आकर यहाँ मिलती हैं। अब सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, मतलब गायब हो गई है, लेकिन फिर भी इसे संगम का त्रिवेणी कहा जाता है, जहाँ तीनों नदियां तीन दिशाओं से आकर यहाँ एक साथ मिल जाती हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों, अगली वीडियो में अगला पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।